नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तरफ से आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती के बारे में, जो कि साल 2023 की नई भर्ती होने को जा रही है। दोस्तों ये जो भर्ती है मामूली भर्ती नहीं है, इस साल 2023 की महाभर्ती है। लगभग 1 लाख पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं सभी अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी मेल फीमेल लड़के लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के लिए। और दोस्तों अगर आप केवल 10वीं क्लास पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्ती आ चुकी है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो पूरी भर्ती की जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। अप्लाई करने से पहले दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों यहां पर जो पद जारी किए गए हैं वो MTS के हैं, पोस्टल असिस्टेंट के हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट के हैं, पोस्टमैन के हैं और मेल गार्ड के हैं, क्लर्क के पद हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको जो वेतन सैलरी मिल रही है काफी जबरदस्त आपको यहां पर सैलरी मिल रही है, 47,000, 52,000, 56,000, 65,000 इन प्रकार आपको सैलरी मिलेगी। ऑल इंडिया की भर्ती है, सभी राज्यों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। चलिए अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com। यहां पर आपको रोजाना सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं, जानकारी ले और आवेदन करें। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। दोस्तों आज ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, भर्तियों की जानकारी ले और आवेदन करें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं sarkaritodaynews.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस नई भर्ती 2023 के बारे में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको बता दें फिलहाल जो भर्ती निकल कर आ रही है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पदों पर है, लगभग 37,000 से अधिक पद हैं। वहीं पोस्टमैन के लगभग 60,000 पद हैं और मेल गार्ड के लगभग 1,500 पद हैं। इसके अलावा और भी अन्य पदों पर भर्ती होने जा रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जिनमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, क्लर्क की वैकेंसी शामिल है। दोस्तों इनके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो केवल मेरिट के आधार पर आपका रहेगा। सैलरी आपको 18,000 से 81,000 रुपए महीना मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 45 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपए है, SC ST के लिए फ्री है और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं और 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है फरवरी से मार्च तक चलेंगे। यह रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इस शॉर्ट नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, यहां पर आपको भर्ती की पूरी जानकारी दी गई है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेकर के आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की नई भर्ती की जानकारी। इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।